247 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, यानी नेशनल हाईवे, पर इसकी हालत देखकर राजमार्ग तो छोड़िए, कोई भी मार्ग कहने का दिल ही नहीं करता। करेगा भी क्यों, कुछ कुछ जगह तो मीलों तक कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ना तो ये हंसने की बात है, ना ही उड़ा देने वाली बात, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है हमें और हमारे समाज को लेकर। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये जो राजमार्ग का काम है ये कई सालों से चल रही है मगर अब तक पूरी नहीं हुई है। इससे ना तो किसी नेताओं के जीवन में फर्क पड़ता है, ना ही किसी अमीर आदमी को, मगर इसी समाज में रह रहे गरीब वर्ग के लोगों को और उनकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है। इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनको फर्क पड़ा है, अंडमान में आने वाले टूरिस्ट को फर्क पड़ा है, उन गरीब लोगों को और नौजवानों को फर्क पड़ा है जो लोन्स में गाड़ी लेकर टूरिज्म में चल रहे हैं। इस रास्ते की वजह से उनके कामों में फर्क पड़ा है, छोटे मोटे व्यापारियों को फर्क पड़ा है जो इसी रास्ते द्वारा अपने व्यवसाय को चलाते हैं, गरीब लोग जो सरकारी बसेस का इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ या मिडिल अंडमान से साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर आते जाते हैं उनको फर्क पड़ा है। क्या उन कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंसी को कोई फर्क पड़ा है जिनको ये राजमार्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? क्यों बड़े सरकारी ऑफिसर्स या राजनीतिक नेताओं को कोई फर्क पड़ा? ये हमारे ही दिए हुए टैक्स के पैसे से बनाया जा रहा है मगर अब तक सुविधा के नाम पर सिर्फ परेशानी ही परेशानी मिली है इस राजमार्ग की वजह से। जी नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ेगा, मगर हम गरीब जनता जो हर चीज के लिए सरकार को टैक्स देते हैं, कानून का पालन करते हैं, हमें ही ये सजा क्यों मिल रही है? क्यों नहीं उन ठेकेदारों को कठघरे में खड़ा किया जाता है जो समय से काम नहीं करते, जो सही तरीके से हाईवेज नहीं बनाते, जो चंद महीनों में ही खराब हो जाते हैं। हमें सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि बारह टांग से कदमतला जोड़ने वाली जो ब्रिज है इसमें बहुत खामियां हैं, खासकर तीसरे नंबर वाले पुल के स्टैंड पर तो कई सवालिया निशान हैं। यह तो हमारे अंडमान के सतर्क प्रशासन पता कर ही ले और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिजेस और हाईवेज की कामों की सही तरीके से जांच हो कि ये सही तरीके से बन रही है या नहीं। हम जनता ही हाईवेज और ब्रिजेस बनाने के पैसे अपने जेब से दे, फिर हमें ही समय पर ना बनने से तकलीफें झेलनी पड़े, और अगर इससे घोटाला हो, मिलावट हो या चोरी हो, जिस वजह से सड़क या ब्रिज डैमेज होती हो, तो जान भी हम गरीबों के ही जाए। आखिर क्यों? हम पूछते हैं कि हर बार हम गरीब जनता ही क्यों भुगते, जबकि हमारा कोई कसूर ही नहीं। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम हमारे अंडमान प्रशासन तथा विभागों से गुजारिश करती है कि कृपया नेशनल हाईवे के निर्माण पर जल्द से जल्द ध्यान दें और साथ ही बारह टांग से कदमतला वाली पुलिया पे भी, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिले और उनके हो रहे नुकसान से वे उभरे। हमें हमारे प्रशासन तथा इनसे जुड़े विभागों पे पूरा भरोसा है। इसी के साथ मैं नीता आज की इस एपिसोड से विदा लेती हूँ। नमस्कार।
Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 9933215764.